हेलो एवरीवन मेरा नाम है प्रणव जैन और आज हम पढ़ेंगे ग्रैनुलोमा के बारे में ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ ही साथ ये वाला टॉपिक बहुत सारी डिजीज से रिलेटेड है तो आप इस टॉपिक को बहुत जगह पढ़ोगे हम पढ़ रहे हैं यूनिट क्रॉनिक इन्फ्लॉमेशन टाइप्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लॉमेशन फर्स्ट इज क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लॉमेशन एंड सेकेंड इज ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लॉमेशन ग्रैनुलोमा ग्रेन्युलमैटस इन्फ्लामेशन या फिर टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपको एक ही चीज लिखनी है इट इज डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कैरेक्टराइज बाय माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन ऑफ एक्टिवेटेड माइक्रोफेजिस विद स्कैटर्ड लिंफोसाइट्स अब इस वाले पॉइंट को हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं देखिए ग्रेन्युलोमा या फिर ग्रेन्युलोमैटस इन्फ्लामेशन एक टाइप है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें एग्रीगेशन मिलता है क्या मिलता है एग्रीगेशन मिलता है मैक्रोफेजिस का और जिसको सराउंड करते हैं लिम्फोसाइट्स। अब ये जो मैक्रोफेज होते हैं ये नॉर्मल मैक्रोफेज नहीं होते ये एक्टिवेटेड मॉडिफाइड मैक्रोफेज होते हैं जिनको हम एपिथिलोइ सेल्स बोलते हैं दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्युलोमा एंड हेयर यू कैन सी द एग्रीगेशन ऑफ एपिथिलोइ सेल्स सराउंडेड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइड्स सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है अगर ग्रैन्युलमा पुराना हो जाए ओल्डर ग्रैन्युलमा इन एडिशन शो रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू एज द आउटर मोस्ट लेयर तो जो पुराने ग्रैन्युलमाज होते हैं वो हील करेंगे और हील कैसे करेंगे फाइब्रोसिस से फाइब्रोसिस के लिए क्या होगा फाइब्रोब्लास्ट का एक्यूमुलेशन होगा और कनेक्टिव टिश्यू का तो देखिए ग्रैन्युलोमा का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एपिथिलॉइड सेल्स उसके बराबर में क्या होंगे लिम्फोसाइड्स और अगर ग्रैन्युलोमा हील करेगा तो क्या होगा फाइब्रोब्लास्ट की रिम आ जाएगी और उसको सराउंड कर लेगी हमें कनेक्टिव टिश्यू की रिम स्ट्रक्चरली ग्रैनुलोमा कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इज एपिथिलॉयड सेल्स अब देखिए एपिथिलियड सेल्स मॉडिफाइड माइक्रोफिजिज हैं इनका नाम हमने एपिथिलॉयड सेल्स इसलिए बोला है क्योंकि ये रिजेंबल करते हैं एपिथिलियल सेल्स को इनका पेल पिंक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो होता है ओवल और इलोंगेट होता है सेकेंड इज जाइंट सेल अभी देखिए जाइंट सेल ग्रैनुलोमा में कहा से है जब हमारा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है तो एंटीजन के अगेंस्ट होगा ना क्रॉनिक इन्फ्लामेशन तो वहां पर एंटीजन को फैगोसाइटोस करने के लिए मैक्रोफेजेस आते हैं मैक्रोफेजेस उस एंटीजन को एनगल्फ नहीं कर पाते हैं और वो मॉडिफाई हो जाते हैं एपिथिलोयड सेल्स बना लेते हैं कुछ एपिथिलॉयड सेल्स फ्यूज कर जाते हैं और बना लेते हैं जाइंट सेल देखिए जाइंट सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ जाइंट सेल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और ये एक मल्टी न्यूक्टिड सेल्स होते हैं तो एपिथिलॉयड सेल्स बहुत सारे फ्यूज कर जाएंगे जाइंट सेल बना लेंगे तो एपिथेलॉयड सेल्स फ्यूज करेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएंगे जिनको हम जाइंट सेल्स बोल देते हैं थर्ड वी हैव लिम्फोसाइट्स तो इट इज़ ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन तो एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा बॉडी का जिसकी वजह से एपिथिलियोड सेल्स के साइड में लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे अब ये जो नेक्स्ट होता है नेक्रोसिस ये इंपॉर्टेंट है देखिए कुछ ग्रेन्युल में क्या होता है ना सेंट्रल नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल ट्यूबर क्रॉसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको दो वीडियोज में पहले भी बता चुका हूँ एक बार फिर बता देता हूँ ट्यूबर क्लॉसिज़ में ग्रैन्युलोमा के सेंटर में हमें केशियस नेक्रोसिस मिलता है इस वजह से जो ट्यूबर क्लॉसिस में ग्रेनुलोमा होता है उसको हम केजिएटिंग ग्रैनुलोमा भी बोलते हैं लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ ग्रैनुलोमाज होते हैं उनमें सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं मिलता और हम उनको नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल लेप्रोसी के केस में क्रोहस डिजीज के केस में सार्कोइडोसिस के के केस में और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैं हम धीरे धीरे जैसे पैथो कवर करते जाएंगे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा लास्ट पॉइंट इज फाइब्रोसिस तो ग्रेन्युलमा मैंने अभी आपको बताया था ओल्डर ग्रैन्युलमा इन एडिशन शो रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू एज द आउटर मोस्ट लेयर तो फाइब्रोसिस कब मिलेगा अगर हमारा ग्रेन्युलोमा ओल्ड होगा सो में हील बाय प्रोड्यूसिंग एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस दिस इज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ केजिएटिंग ग्रैनुलोमा और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा ट्यूबर आप यहाँ पर ईजिली अप्रिशिएट कर सकते हैं ग्रैनुलोमा के सेंटर में प्रेजेंट है केशियस नेक्रोसिस केशियस नेक्रोसिस के सराउंड करती है हमारे एपीथिलइड सेल्स तो यह हमारे सारे एपिथिलॉयड सेल्स एग्रीगेट हो चुके हैं कुछ एपिथिलॉयड सेल्स फ्यूज़ करेंगे और बना लेंगे हमारे लैंग हैंस जॉइंट सेल्स तो ये है हमारा लैंग हैंस जॉइंट सेल और उसमें न्यूक्लिया हॉर्स शू पैटर्न में अरेंज रहते हैं अब इसके बाद आप देख सकते हैं एपिथिलइड सेल्स को सराउंड करते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स सो तो दीज आर लिम्फोसाइट्स और इस इमेज को देखकर आप भी इजीली बता सकते हैं कि ये एक ओल्ड ग्रैनुलोमा है या एक ये न्यू ग्रैनुलोमा है बिकॉज यहाँ पर रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट आ चुकी है तो यहाँ पर ये ग्रैनुलोमा हील हो रहा है मतलब ये एक ओल्ड ग्रैनुलोमा है एग्ज़ाम में अगर ग्रैनुलोमा पे क्वेश्चन आता है ग्रैनुलोमा ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है दिस इमेज इज शोइंग ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेप्रोसी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बन चुका है एक ग्रैनुलोमा दिस इज ग्रैनुलोमा लेप्रोसी अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल है नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा का तो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा में सेंटर में कोई भी केशियस नेक्रोसिस नहीं होगा तो यहाँ पर सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस एबसेंट होता है ओनली हमें क्या देखने को मिलता है एग्रीगेशन ऑफ एपिथिलोयड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स कुछ एपिथिलॉयड सेल्स फ्यूज़ करके बना लेंगे हमारे लैंग हैं सेल और आप देखकर बता सकते हैं ये एक ओल्ड ग्रैनुलोमा है या या फिर एक ये न्यू ग्रैनुलोमा है ये एक न्यू ग्रैनुलोमा है बिकॉज यहाँ पर कोई भी हमारा फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन हमें नहीं दिख रहा है ना ही कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोमा ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनेसिस ग्रैनुलोमा फॉरन बॉडी ग्रैनुलोमा भी हो सकता है या फिर इम्यून ग्रैनुलोमा फॉरन बॉडी ग्रैनुलोमा नाम खुद बता रहा है ग्रेन्युलमा किस वजह से हुआ है फॉरन बॉडी की वजह से लेकिन ये फॉरन बॉडी कैसी है इनर्ट फॉरन बॉडी है मीन्स इट डू नॉट इंसाइट एनी इम्यून रिस्पॉन्स ऐसी फॉरन बॉडी जिसके अगेंस्ट टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का एबसेंट होगा इनर्ट फॉरन बॉडी का एग्जाम्पल है सूचरल मेटीरियल और टैल्क इम्यून ग्रेन्युलोमा देखिये फॉरन बॉडी ग्रेन्युलोमा में टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एब्सेंट है लेकिन इम्यून ग्रैनुलोमा में जो टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रहता है वो परसिस्टेंट रहता है आप बात को समझिए एंटीजन अगर आता है तो बॉडी क्या करती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है लेकिन अगर एंटीजन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है इरेडिकेट नहीं हो पाता है तो परसिस्टेंट टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स मिलता है और हमें इम्यून ग्रैन्युलोमा देखने को मिलता है तो इम्यून ग्रेन्युलोमा डेवलप वेन द इंसाइटिंग एजेंट इज डिफिकल्ट टू इराडिकेट और ऐसे एजेंट के नाम क्या है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस या फिर हमारा हो सेल्फ एंटीजन नेक्स्ट पॉइंट ये याद करने वाला पॉइंट है ट्यूबर क्लॉसिस के केस में जो हमें ग्रैनुलोमा मिलता है ना उसको हम ट्यूबरकल बोलते हैं लास्ट वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं ट्यूबर के केस में हमें ग्रैनुलोमा में सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलता है केशियस नेक्रोसिस इस वजह से हम इसको केजिएटिंग ग्रैनुलोमा भी बोलते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रैनुलोमा मेजॉरिटी ग्रैनुलोमा में हमें सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं मिलता उसको हम नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा बोलते हैं इसके एग्जाम्पल हैं लेप्रोसी सार्कोइडोसिस क्रॉन्स डिजीज सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रैन्युलोमा ग्रैन्युलटस इन्फ्लॉमेशन टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लॉमेशन दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में